फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी या सौंठ, जिसका यूज़ हम दही बड़े के लिए या किसी भी प्रकार की चाट के लिए, समोसा कचौड़ी आदि के लिए हम कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको हम साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपको हमारी चटनी और सौंठ की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं खट्टी मीठी चटनी। चाट वाली खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम अमचूर पाउडर लिया है, 500 ग्राम चीनी, जीरा, रोस्टेड जीरा, सौंठ या ड्राई जिंजर पाउडर, काला नमक, वाइट नमक, काली मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, और इन सबको मैंने 2 टीस्पून लिया है। खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे। यहाँ पर ये मैंने एक पतीला लिया है, इसमें हम अमचूर पाउडर को डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। इसको हम यहीं पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। मैंने लगभग इसमें 4 कप पानी डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दी है, इसको इसी तरह से हम बॉईल होने देंगे। अभी मैंने इसमें थोड़ा ही पानी डाला है, अगर ज़रूरत होगी तो बाद में हम और पानी ऐड कर देंगे। इसको बॉईल आने तक इसी तरह से होने देंगे। इसमें बॉईल आ गया है, इसमें मैंने 1 कप पानी और डाल दिया था, मुझे कम लग रहा था। अब यहाँ पर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी को मिक्स कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से भी होने देंगे। चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, काली मिर्च पाउडर, वाइट नमक, काला नमक, ड्राई जिंजर पाउडर, इसको मैंने थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लिया था। इसको भी मैंने क्रश कर लिया था जीरे को। इन सबको मिक्स कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर, इसमें हमने सभी मसाले ऐड कर दिए हैं। अब मसालों को ऐड करने के बाद यहाँ पर ये मैंने 4 से 5 छुहारे लिए थे, इनको आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर मैंने इनको लंबाई में कट कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे इनको। थोड़ी सी चिरौंजी ली है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी किशमिश ली है, इनको भी ऐड कर देंगे इसमें। इनको मिक्स कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी खट्टी मीठी चटनी को बना सकते हैं। खट्टी मीठी चटनी अच्छे से बॉईल हो गई है, इसको मैंने लगभग 20-25 मिनट अच्छे से बॉईल किया है इसी तरह से, क्योंकि हम इसको प्रिजर्व करके रखने वाले हैं। इसको हम 1 साल तक इसी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। और जब कभी भी आप दही बड़े या गोलगप्पे की चाट या टिक्की बनाएं, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये सौंठ बनकर तैयार है, इसको मैंने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हम इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं साल भर के लिए। इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल दिया है, अब हम इसको फ्रिज में रख लेंगे। इसको हम साल भर तक यूज़ कर सकते हैं और फिर जब कभी भी हमें ज़रूरत हो दही बड़े की चाट में, गोलगप्पे की चाट में, टिक्की आदि बनाने के आदि के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।